भाई बढ़िया सवाल है, आया है एक सामने। सवाल है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अंडर व्हाट कंडीशन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज लेस देन 1। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर में क्या चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक है, ये क्या होगा, ये ओवरऑल बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर तुम्हें डिराइव्ड वैल्यू याद है तो तुम वो यूज़ करना, अगर डिराइव्ड वैल्यू याद नहीं है तो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की अगर बात करें तो माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ए स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे मतलब इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब सी बाई ए। सी बाई ए की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी लेस देन 1। वापस यहाँ पे हम जरा अपना दिमाग लगाते हैं, हम करते हैं ना कि 2 ए स्क्वायर को कुछ ना कुछ पुट कर देते हैं। लेट्स से 2 ए स्क्वायर की वैल्यू हमने वाई पुट कर दी ताकि अपना कैलकुलेशन एट द एंड आसान रहे। हमने इसे कर दिया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस वाई इज लेस देन, ये ओवरऑल अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ब्रैकेट्स खोलेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 2 प्लस 2 वाई इज लेस देन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई। यही चीज़ आएंगी, इस माइनस 2 वाई से 2 वाई कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, 1 से 1 कट गया। अब सारे इनइक्वालिटी को एक साइड में लेकर के जरा आ जाते हैं, सारे इनइक्वालिटी को एक साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2y माइनस 2 इज लेस देन 1। अब y की वैल्यू यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू अपनी कितनी थी, 2a स्क्वायर थी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 1, 4a स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 1। अब यहाँ से हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, 2 को दूसरी साइड में अगर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर इज लेस देन 2 या ए स्क्वायर इज लेस देन 1/2। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दूसरी साइड जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अल्टीमेटली आया कि ए स्क्वायर इज लेस देन 1/2, हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा।